अगर ऐसी कोई गांठ है तो ये लाइपोमा ही है। आप 2 से 3 दिन में इसकी रिपोर्ट आपको मिल जाती है और उसमें आपको क्लियर हो जाता है कि ये कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है लाइपोमा। लाइपोमा के ऊपर हालांकि हम 2 से 3 वीडियोस पहले भी बना चुके हैं, लेकिन अभी भी लोगों को लाइपोमा को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, जिसके चक्कर में लोग हमें कमेंट पे कमेंट कर रहे थे। इन सब सब कमेंट को देखने के बाद हमें पता लगा कि लोग अभी भी बहुत ज्यादा परेशान हैं और शायद जो क्लियरिफिकेशन हम देना चाह रहे थे अपनी वीडियो के माध्यम से वो हम आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। वैसे जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने लाइपोमा के बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, दूसरे वीडियो में हमने आपको लाइपोमा को डायरेक्ट ऑपरेट करके भी दिखाया, लेकिन फिर भी जो लोग आज कन्फ्यूजन में का शिकार हैं उन लोगों का एक बार फिर से हम कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली दिक्कत जो लोग के सामने आ रही है, या तो वो लोग वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं लेकिन फिर भी एक बार बताते हैं। लोगों का कहना है कि सर हमारे गर्दन के आसपास गांठें हैं। मैंने पहले भी बताया गर्दन के पास गांठें हो सकती हैं, टीवी की हो सकती हैं, कैंसरस भी हो सकती हैं, क्योंकि लिम्फ नोड्स होती हैं वो आपका एक तरीके का इंडिकेटर होता है कि आपको कहीं ना कहीं शरीर में WBCs वगैरह बढ़ रही हैं और उसके कारण आपकी लिम्फ नोड जो गर्दन में होती है और हमारे शरीर में जगह जगह होती है वो फूल जाती है। लेकिन ऐसी जो लिम्फ नोड्स होती हैं उनमें दर्द होता है और अगर आपको गर्दन के आसपास गांठों में दर्द महसूस हो रहा है तो आप उसके लिए सबसे पहले तो आप CBC कराएं, जो कंप्लीट ब्लड काउंट होता है एक टेस्ट, उसमें आपकी अगर WBCs बढ़ के आ रही है तो इसका मतलब आपको दिक्कत हो सकती है, और लाइपोमा है तो उसमें आपकी WBC एकदम नॉर्मल आएंगी। लिम्फ नोड मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा जब भी हमारे शरीर में कहीं भी चोट लग जाती है तो वो गांठें फूल आती हैं, गिल्टी भी बोलते हैं बहुत से लोग। कभी कभी जांघ के पास में देखा होगा आपने, पैर में कोई चोट लगी है तो जांघ के पास में गिल्टी फूल जाती है, कभी मुंह में छाले हैं तो हमारी गर्दन पर जो है ऐसे ये गिल्टियां निकल आती हैं, ये सभी लिम्फ नोड्स होती है और ये एक तरीके का इंडिकेटर है। तो इसमें बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, लेकिन आप फिर भी अपना एक बार CBC कराएंगे तो WBC आप चेक कराएंगे तो WBC बढ़ के आएंगी, तो आप उससे एक बार अंदाजा लगा सकते हैं और ऐसा लाइपोमा में कुछ नहीं होता। तीसरी बात ये, बहुत से लोग कहते हैं कि सर लाइपोमा की तरह हिल रही है और दर्द कर रही है। हाँ हो सकता है, लेकिन वो दबाव खाने से ही आपको ऐसी समस्या महसूस होगी, बाद बाकी लाइपोमा दर्द नहीं करती है। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप इसका एक टेस्ट करा सकते हैं जिसको बोलते हैं बायोप्सी। बायोप्सी में क्या करते हैं, इसका सर्जन के द्वारा थोड़ा सा इसका टुकड़ा निकाला जाएगा और उसको बायोप्सी जांच के लिए भेज दिया जाता है। 2 से 3 दिन में इसकी रिपोर्ट आपको मिल जाती है और उसमें आपको क्लियर हो जाता है कि ये कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। इसलिए आप सबसे पहले घबराएं ना। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, सभी का कहना और मानना यही है वो डरे हुए रहते हैं। बहुत से तो लाइपोमा को लेके इतना ज्यादा घबरा जाते हैं कि वो 50-50, 60-60 हजार रुपए तक इसके ऊपर खर्च कर चुके हैं, क्योंकि कैंसर आज की डेट में आपने देखा ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। लोगों के बीच में कैंसर की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसको लेके कहीं ना कहीं लोगों में भय बना रहता है। इसलिए अब आप बिल्कुल भी डरे ना, अगर आपके शरीर में गांठ है तो उसका या तो चेकअप कराए या फिर लाइपोमा के लक्षण जो भी हमने बताए हैं, जैसे कि ये मूवेबल होती है, आराम से हिलती है और साइज पकड़ने से बढ़ भी जाता है और अक्सर दर्द नहीं करती, अगर ऐसी कोई गांठ है तो ये लाइपोमा ही है, आप इसकी टेंशन लेना बंद कर दें। और अगर आपको दर्द कर रही है तो आप इसकी बायोप्सी करा लें और एक WBC टेस्ट करा लें, जिससे अगर वाइट ब्लड सेल अगर आपका काउंट बढ़ के आ रहा है तो हो सकता है कि ब्लड इन्फेक्शन हो या ब्लड कैंसर हो, क्योंकि ब्लड कैंसर में भी गर्दन के आसपास गांठें बन जाती है लेकिन उनमें थोड़ा दर्द भी होता है। इस चीज का भी आप ध्यान रखें, बेफिजूल में ही एकदम तुरंत के तुरंत डरे ना। इसी के साथ हम अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं और आगे आपके अगर कोई और भी कंफ्यूजन होगा तो हम लाइपोमा से रिलेटेड उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।